नमस्कार, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अपने हर सेंटर पे बंजारा हिल्स, सनत नगर, मनीकोंडा और कोमपल्ली पे जुलाई में हर शनिवार फ्री फर्टिलिटी कैंप रख रहा है। अवश्य आइए, अपना फ्री वैल्यूएशन कराइए, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझिए और ये जान लीजिए कि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दिए गए हैं IVF पैकेज पर। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एस्पर्मिया क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स है और उपाय क्या है? एस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सीमन बिल्कुल नहीं आता, सो इजैकुलेटरी डिसफंक्शन भी कह सकते हैं इसको, जिसमें इजैकुलेशन बाहर नहीं आता है। तो जो स्पर्म्स तैयार होते हैं वो टेस्टिस में तैयार होते हैं और काफ़ी लंबा जर्नी तय करते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल से होते हुए बाहर आते हैं और जब ये सीमन बाहर नहीं आता है तब उसे एस्पर्मिया कहा जाता है। ये याद रखिए कि एस्पर्मिया अजूस्पर्मिया से बहुत अलग होता है। अजूस्पर्मिया में स्पर्म्स नहीं होते हैं सीमन में और एस्पर्मिया में सीमन ही नहीं होता है, तो टेस्ट करने के लिए अगर आए पेशेंट जो है सीमन सैंपल भी नहीं दे पा। तो इसकी वजह से सबसे मुख्य ड्रॉबैक ये है कि प्रेगनेंसी डिले होता है, लेकिन कई पेशेंट में देखा गया है कि इजैकुलेशन होता है पर एस्पर्मिया होता है, यानी कि ऑर्गेजम होता है पर इजैकुलेशन में सीमन नहीं आता है, तो उसे एस्पर्मिया कहा जाता है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके सिम्टम्स हैं कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सीमन एट इजैकुलेशन, यानी कि इजैकुलेट के बाद बिल्कुल सीमन नहीं आना, यूरिन इजैकुलेशन के बाद एकदम हेजी होना, यानी बहुत मिल्की होना, यानी क्योंकि जो सीमन है वो वापस ब्लैडर में चला गया है इसीलिए जो यूरिन है वो अलग कलर का आता है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कई पेशेंट को पेन भी कंप्लेन होता है इजैकुलेशन के बाद, बैक पेन या स्टमक पेन भी होना बहुत कॉमनली देखा गया है। एक और महत्वपूर्ण सिम्टम है वो है सीमन में या यूरिन में ब्लड देखा जाना, तो इसकी वजह से भी आप समझ सकते हैं कि शायद एस्पर्मिया हो। एस्पर्मिया के जो भी कारण है उसके इलाज भी हैं, या मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं, या ये जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है जो ब्लैडर में चला गया है सैंपल, उसे कलेक्ट किया जाता है, उसे प्यूरीफाई किया जाता है और उस सैंपल को यूज़ करके या IUI किया जाता है, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, या IVF किया जाता है। तो निराश मत होइए अगर आपको एस्पर्मिया की कमज़ोरी है या आपको एस्पर्मिया का प्रॉब्लम देखा गया है, अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कीजिए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।